हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आज दोस्तों हम गुज्जरों के बारे में जानेंगे, उनका रहन सहन, खान पान इत्यादि के बारे में। देखिए अभी उनका नाश्ता बन रहा है इस टाइम पर। इन गुज्जरों के पास बहुत सारे घोड़े, बकरी, भैंस रहते हैं। जो आपको अभी दिखाएंगे। ऊपर जंगल से घास खाकर आ रही हैं ये भैंसें। इन भैंसों का दूध निकालकर दूध को बेचते हैं और घी मक्खन भी बनाते हैं और अच्छे दामों पर भी बेचते हैं। इनके पास 400 से लेके 500 के बीच में भैंस, 30 घोड़े और बकरी आदि भी हैं। अब ये दूसरी जगह जाएंगे। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन यह जगह चेंज करते रहते हैं, अलग अलग जगहें जाते रहते हैं जंगलों में। रात हो चुकी है और मौसम बड़ा ख़राब है, बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। सभी खाना खाने के बाद कुछ सोने चले गए हैं और कुछ भैंसों की देखरेख के लिए भैंसों के साथ चले गए हैं। रात के 2 बजे निकलेंगे और आज ये दूसरी जगह पर जाएंगे। चलिए दोस्तों सुबह मिलते हैं। देखिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरी जगह पर। और इनके पास बहुत सारी बकरियां भी हैं। देखिए दोस्तों ये छाछ बना रहे हैं पुराने ज़माने की विधि से द्वारा।
दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं। छाछ को बनने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये टेंट लगा रहे हैं। अभी ये नाश्ता करके सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉच।